नमस्कार साथियों, शिक्षा यस इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। सिर्फ 51 दिन बाकी हैं और फिर आपका एग्जाम शेड्यूल्ड है। इसी कड़ी में हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं एमसीक्यू नंबर 28, जहां पे पिछले एमसीक्यू की तरह बाकी सभी क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम के प्रश्नानुसार होंगे। देखिए, हम यहाँ पे आपको एमसीक्यू करवा रहे हैं, साथ में हमारी एक जिम्मेदारी और है, जहाँ पर बच्चों को कोई डाउट हो उसको क्लियर करना। तो देखो, एक बच्चे ने एक डाउट पूछा है, उसको पहले डील कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 किसी वीडियो का है, एमसीक्यू नंबर 26 का ये क्वेश्चन है, इसको देखेंगे। क्या लिखा है? किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात इतना है, तो त्रिभुज किस प्रकार का है? देखो क्या दिया है, कोणों का अनुपात, ये रेशियो दिया है। जो कोण है 59:32:91, 59:32:51 के अनुपात में कोण है। ये एंगल नहीं दिया, एंगल नहीं दिया है भाई कि आप इसको जोड़ें। सर, इसको जोड़ने पे 9, 2, 11 और 1, 12 हासिल आई 1, 9, 3, 12, 5, 17 और 1, 18 जोड़ने पे सर 182 हो गया, लेकिन कोण तो त्रिभुज के कोण कितने होते हैं 180 डिग्री के, बिल्कुल 180 डिग्री होते हैं, लेकिन ये कोण नहीं दिया ना, ये कोणों का अनुपात दिया है। इसका मतलब क्या, मान लो कोणों का अनुपात सम रेशियो ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स ऐसा दिया है, किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात इतना है। तो ऐसा नहीं है कि उसका एक कोण 4 डिग्री का है, दूसरा 5 और तीसरा 3 डिग्री का, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनके कोण किस अनुपात में है, 4:5:3 के अनुपात में। और देखो टोटल कितना हो गया, 5, 4, 9, 3, 12 12 यूनिट हो गया। और टोटल कोण कितने डिग्री का होता है, कितने डिग्री एंगल होता है, 180 डिग्री। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 12 एकम 12, 6 बचा 12, 5, 60 एक यूनिट की वैल्यू 15, तो 4 यूनिट की वैल्यू 15 3 45, 15 4 60, 15 5 75 और 15 3 45 डिग्री। सेम इसी प्रकार से आप इनको जोड़ेंगे तो 182 आ रहा है, ये 182 डिग्री नहीं है, ये 182 क्या, जैसे इसको जोड़ लिया 60, 9 और 60 कितना हो गया 150 और 32 182 डिग्री नहीं है, ये यूनिट है। क्यों? क्योंकि अनुपात में दिया है ना, 182 यूनिट की वैल्यू 180, तो एक यूनिट की निकालना। अब देखो, सबसे पहली बात तो ये कोण नहीं है, क्या दिया है, अनुपात। और एग्जांपल लेते हैं, मान लो हम लेते हैं, हम ले लेते हैं कोई एग्जांपल 40, 40, 23, 47 और ले लेते हैं 50, 70, तो 110 कोण इस अनुपात में है मान लेते हैं, तो ये कोण की वैल्यू नहीं है, ये कोणों का अनुपात है, सिंपल सी बात। अब देखो, यदि कोणों का अनुपात इतना दिया है तो हमने क्या कहा है, जो सबसे बड़ा कोण है ना, मान लो सी, ये ए है, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, जो सबसे बड़ा कोण है उसको पकड़ते हैं। यदि ये बाकी दोनों कोणों के योग, बाकी दोनों छोटे छोटे कोणों के योग, बाकी कौन कौन से बच गए, ए और बी, इनके योग से इन छोटे कोणों के योग सम से छोटा है ना, तो ये क्या, कौन सा कोण होगा, न्यून कोण। कौन सा कोण होगा, न्यून कोण त्रिभुज है। बराबर है इन छोटे छोटे दोनों कोणों के योग के बराबर है, तो कौन सा कोण होगा, समकोण। और यदि ये बड़ा वाला बड़ा है, एंगल सी बड़ा है इन दोनों कोणों के योग से,
तो कौन सा त्रिभुज है? अधिक कोण। कौन सा कोण का त्रिभुज है? अधिक कोण। तो आप देखो इन दोनों को जोड़ा कितना आ गया, 9 2 11 हासिल आई 1 5 3 8 और 1 9 91, और ये कितना दिया है 91। जोड़ने पे इसके बराबर आ गया तो कौन सा त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज होगा। इसलिए आंसर क्या लिया था? राइट एंगल डिग्री। यदि समझ में नहीं आया तो एक बार और देखो, हमने लिया है 23:47:110। जो बड़ा है 110, छोटे छोटे को जोड़ लेते हैं, 7 3 10, 4 2 8 और 1 9, 4 2 6 और 1 7। कौन सा बड़ा? ये बड़ा वाला अभी भी बड़ा है ना, दोनों को जोड़ा तब भी बड़ा है, तो ये अधिक कोण। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ रही होगी। कोई और कोण ले लेते हैं, 4 5 और 3 लिया था जैसे, ये बड़ा वाला है, ये बड़ा वाला इन दोनों के योग 4 3 7 से छोटा है ना। बड़ा वाला बड़े वाले को कंपेयर करो, बड़ा वाला दोनों के योग से छोटा है, तो ये क्या होगा? न्यून कोण, क्योंकि छोटा है बड़ा वाला। अब कोई और लेते हैं, मान लो ऐसा लेते हैं 4 और 9 और 13। बड़ा वाले को देखो, इन दोनों के योग से 9 4 कितना आ गया? 13। इनके क्या है? बराबर है, बराबर है, तो कौन सा त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज होगा। अब आप कहेंगे सर कोई और एग्जांपल लो, तो चलो लेते हैं 97:47:50। अब देखो बड़ा वाला एंगल 97 इन दोनों के योग से 5 4 9 97 के योग से क्या है? बराबर है, तो कौन सा त्रिभुज? समकोण। अब आप ये नहीं बोलना ये 47 डिग्री 50 डिग्री 97 डिग्री, टोटल सर 7 7 14 9 2 18 और 1 इतना डिग्री कैसे हो गया? 194 डिग्री कहां होता है? 194 डिग्री नहीं होता, ऐसे मत बोलना। क्यों? क्योंकि हम बार बार बता रहे हैं ये डिग्री नहीं है, ये डिग्री नहीं है, डिग्री बिल्कुल नहीं है, उन डिग्री का अनुपात है। ये डिग्री है क्या? 5 4 9 3 12, 12 डिग्री का ट्रायंगल होता है क्या? 12 डिग्री का तो नहीं होता, 180 डिग्री का होता है। तो लेकिन आप 4 5 और 3 लिख रहे हो, अनुपात लिख रहे हो। सेम ये क्या है? अनुपात है। अनुपात बड़ा छोटा 180 से ज्यादा हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं, ये अनुपात जोड़ लिया। 194 डिग्री है, 194 यूनिट है, डिग्री में कितना टोटल मिला के? 180। उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आ रही होगी क्या, कि वो अनुपात था, डिग्री नहीं थी। चलिए अब आज का स्टार्ट करते हैं सेशन, जहां पे पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है? ट्रायंगल PQR, त्रिभुज PQR के शीर्ष एक वृत्त पर स्थित है। शीर्ष मतलब वर्टेक्स। चलो देखो, मान लो ये वृत्त है, इस पे क्या है? PQR के शीर्ष है, ये PQ और ये R, PQ और R इसके शीर्ष इस पे सर्कल पे हैं, जिसका केंद्र O है। किसका केंद्र? किसका सर्कल का केंद्र क्या है? O है। चलो ये बात भी क्लियर हो गई। अब आगे, SR वृत्त के बिंदु R पर एक स्पर्श रेखा है। SR क्या है? स्पर्श रेखा। SR ऐसी ना स्पर्श रेखा है, R पर स्पर्श कर रही है, यह बात भी ठीक है। अब यदि QR ORS को ORS ये ORS हो गया, ORS को QR दो बराबर भागों में बांट रही है, दो बराबर भागों में,
मतलब ओ आर एस, समझ गए ना, ये पूरा का पूरा ओ आर एस हो जाएगा। इसको दो बराबर भागों में, मतलब मान लो ये थीटा है तो ये भी थीटा है, ये कहना चाह रहा है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब देखो तो आर पी क्यू का नाप, आर पी क्यू कितना है, ये वाला एंगल निकालना है। अब देखो हम क्या जानते हैं, ये अच्छा नहीं लग रहा, इसको ऐसे करके जोड़ दो। चलो हमने कहा है ना, जो भी होते हैं पॉइंट, ज्वाइनिंग पॉइंट, मीटिंग, कॉमन मीटिंग पॉइंट, वहां पे जोड़ देते हैं रेडियस को। चलो अब देखो ये आर नहीं होगा, आर और ये भी आर, दोनों बराबर हैं, तो ये थीटा है तो ये थीटा नहीं हो जाएगा। आप बताओ। सर बिल्कुल थीटा हो जाएगा। अब ये बताओ हम क्या जानते हैं, कोई भी सर्कल है, एक टेंजेंट स्पर्श रेखा टच कर रही है, तो सेंटर से जो रेडियस खींचा जाता है कितने डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का। कितने डिग्री का, 90। तो ये वाला कोण पूरा का पूरा 90 नहीं हो जाएगा। ओ आर एस आप बताओ, बिल्कुल हो जाएगा बोलोगे। और उसको दो बराबर भागों में बांट रही है, मतलब थीटा की वैल्यू, थीटा की वैल्यू 90, टू थीटा, टू थीटा ये हो गया, थीटा प्लस थीटा, और ये कितना है 90 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45 डिग्री नहीं हो जाएगी। बोलो सर थीटा की वैल्यू 45 45, 45 45 90, ये त्रिभुज है तो ये 90 नहीं हो जाएगा। हाँ या ना। सर बिल्कुल ये 90 हो जाएगा। अब आप क्या जानते हो, त्रिभुज पे ऐसा सर्कल है, पॉइंट पे, सर्कल पे ऐसा रेडियस खींचा गया है और ये ऐसा है, तो ये इसका डबल हो जाता है। याद रखेंगे इसका ये डबल है, डबल हो जाता है, तो ये कितना डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री। कब ऐसा होता है, देखो ये सर्कल है ना, हमने ये कंसेप्ट शायद बताया नहीं है आपको, ये सर्कल है, ये केंद्र है, सर्कल के केंद्र से, सेंटर से दो रेडियस खींच दिए और एक ऐसी जीवा और दूसरी जीवा इसको मिलाते हुए, तो ये यदि थीटा है ना, तो ये टू थीटा, मतलब ये डबल होता है, ये वाला डबल होता है, ये डबल होता है, डबल होता है, और है कितना, 90 डिग्री ना, 90 डिग्री, तो ये आधा कितना हो जाएगा, 45 डिग्री आंसर है। चलो सर कैसे कर दिया, थीटा प्लस थीटा टू थीटा कितना, 90 डिग्री, टोटल 180 डिग्री, 180 डिग्री में यही 90 डिग्री हो गए, तो ये 90 नहीं बचा, ये 90 बचा, तो ये इसका आधा। चलो उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी लंब वृत्तीय शंकु, शंकु कोण के आधार की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तथा इसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, आप सभी को पता है, पाई आर एल प्लस आर, ये टोटल सरफेस एरिया होता है। एल इज इक्वल टू क्या आता है भाई, देखो ये एल है, ये कितना है, आधार की त्रिज्या 8, ये 15, तो आप सभी क्या जानते हैं, सर ये 8 है, ये 15 है, ये 90 डिग्री है, तो ये अपने आप 17 हो जाता है। ट्रिपलेट होता है 8 15 और 17। यदि नहीं समझ में आ रहा तो ये देखो, पाइथागोरस थ्योरम इज इक्वल टू, एल इज इक्वल टू क्या होता है, इसका लंब का वर्ग, लंब कितना 15, 15 का वर्ग धन आधार का वर्ग 8, 8 का वर्ग, मतलब स्लैंट हाइट बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई एल को, ये कितनी होती है, अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना आ गया, 225, 8 का स्क्वायर 64, कितना आ गया, 289, अंडर रूट 289, मतलब क्या है 17, तो ये L 17 हो गया। डायरेक्ट आपको यहां से निकालना था, सर L की वैल्यू 17 आ गई, ये पाई के फॉर्म में लिखा है तो हम पाई ही लिखे रहन देंगे। R की वैल्यू दी गई है 8,
L कितना है 17, 17 और 8 कितना आ गया जी सर, 17 और 8 25, 25 अट्ठे कितना 200 पाई, आपका आंसर कितना आ गया 200 पाई, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। 25 कैसे आया, ये 17 था जी और ये 8, 17 और 8 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या की 10 एक समान गोली गेंदों को पिघलाकर एक गोला बनाया जाता है। देखो 10 छोटे 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 गोले हैं, ऐसे 10 गोले हैं, इनको पिघला दिया, पिघला के एक बड़ा सा गोला बना दिया, बड़ा सा गोला बना दिया। ठीक है भाई, गोले को पिघला रहे थे ना, इस प्रोसेस में 20% गोला का जो ठोस है पदार्थ वो क्या हो गया, बर्बाद हो गया। 20% बर्बाद हो गया तो 80% ये छोटे छोटे गोले का ही बनाया बना होगा, तो बड़े गोले की त्रिज्या क्या है सेंटीमीटर में ये कहता है। तो मानते हैं बड़ा गोला है, इसकी त्रिज्या कैपिटल आर, ये छोटे वाले की क्या है स्मॉल आर। चलो देखो, तो जो बड़ा वाला गोला है पाई आर इस क्यूब, वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ये वॉल्यूम कब आएगा, ये बड़े वाले का है, छोटा वाला गोला क्या है 4/3 एक छोटे वाले का पाई आर क्यूब, एक छोटे वाले का ना, तो 10 छोटे का क्या हो जाएगा एक का इतना, तो 10 का इतना। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, लेकिन ये बताओ इसको पिघला दिया, पिघलाने पे इतना पूरा नहीं मिला, 20% बर्बाद हो गया, 20% वेस्ट हो गया, तो इसका 20 वेस्ट हो गया, इसका 20 वेस्ट हो गया, इसका मतलब यूजफुल कितना है, कितना काम का आया, इसका 80% नहीं यूज में आया, आप बताओ। और ये किसके बराबर है, इसके बराबर है, 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसल हो गया 10। आर क्यूब कितना है ये बता दो हमको, आर की वैल्यू कितनी है 3 सेंटीमीटर, तो 3 का क्यूब 3 × 9 9 × 27 या 3 का क्यूब × 80% 0 से 0 0 से 0 कैंसल आर क्यूब। तो वो कहता है ना, यही तो कह रहा है, बड़े गोले की त्रिज्या, बड़े गोले की त्रिज्या कितनी आएगी, आर इज इक्वल टू कितना बचा 3 का क्यूब, क्यूब रूट निकालना है किसका 3 क्यूब × 8, देखो 3 क्यूब है इसका क्यूब रूट तो 3 आ जाएगा, 8 का क्यूब रूट कितना आता है 2, 3 × 6 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर है भाई। सिर्फ यहाँ पे आपको ये समझना था 80% क्यों आ रहा है, क्यों 80% आ रहा है, क्योंकि 20% वेस्ट हो गया ना, तो इसलिए क्या आ जाएगा 80% आ जाएगा, परसेंट का कंसेप्ट भी इसमें लगा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल इतना है और उनका अनुपात इतना है, गुणनफल इतना है अनुपात इतना है, संख्याएं कहाँ आ जाएंगी 9x और 7x, और इन दोनों का गुणा 9x × 7x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1575। 9 से कटाया 9 × 1 = 9 5 + 1 = 6 9 × 7 = 63 कितना 4 × 9 = 45 7 से कटाया 7 × 2 = 14 7 × 5 = 35 x² = 25 तो x की वैल्यू 5 नहीं आ गई, तो इनमें से छोटा पूर्णांक कौन सा है, 9x तो बड़ा है 7x, दोनों में कौन बड़ा है 9x की 7x, 7x छोटा है 9x बड़ा है, तो छोटा पूछ रहा है ना, मतलब 7x की वैल्यू पूछा है, 7 × 5 कितना आ जाएगा 35 इसका राइट आंसर है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, AB से 75% कम है, AB से 75% कम है, ये 100 है 75% कम, मतलब ये कितना हो जाएगा 25। ए ना बी से 75 कम है, 75 कम है, कहाँ से बी से कंपेयर कर रहा है, नीचे बी ये कम है, 100 में 75 कम तो कितना आ गया
25 आ गया। सी सी ए व बी के बीच के अंतर, ए और बी के बीच का अंतर 75 का 75% है, का 75% कौन है? सी है। चलो उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आई होगी। तो क्या पूछा है आपको? पूछा है सी ए से कितना परसेंट अधिक है, सी ए से। तो ए और सी को कंपेयर करना है, ए कितना है 25, ये कितना है 75 गोड़े 75 बटे 100। 25 तिया 100 को इधर ट्रांसफ़र कर दिया, 100 अनुपात 75 तिया कितना हो जाएगा 225, 5 तिया 15, 7 तिया 21 और 1 22। सी से कितना कम है, सी से ए कितना कम है, सी ए से कितना, उल्टा उल्टा बोल रहा है, सी ए से कितना अधिक है, ए से कितना अधिक है, ए से कितना अधिक है? सर परसेंट 100 में जितना चेंज होता है उतना परसेंट में, कितना चेंज है 100 में? 125%। कितना परसेंट आ गया? 125% अधिक है। कैसे? 100 से कितना अधिक है? 125। कहां से अधिक है? ए से। ए कितना है? 100 × 100% 100 से 100 कैंसिल। सुनो, जब भी 100 से कंपेयर करते हो तो 100 से 100 कैंसिल नहीं हो जाएगा? तो जब भी 100 से कंपेयर करते हैं ना, जितना ज़्यादा, कितना ज़्यादा, 125, उतना परसेंट में भी लिख दो। 100 में जितने का अंतर है उतना ही परसेंट में चेंज होता है। तो कितना ज़्यादा है 125, उतना ज़्यादा है परसेंट में भी 125% आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्या कहता है, एक कार P से Q तक एक नियत गति पर चलती है, ठीक है, एक कांस्टेंट स्पीड से P से Q जा रही है एक कार, यदि उसकी गति 10 किलोमीटर घंटे बढ़ा दी जाए, मान लो S स्पीड से चल रही है, अब उसकी गति S प्लस 10 कर दी जाए। देखो आप जानते हो D इज इक्वल टू S1 S2 फॉर्मूला हमने इसी में बताया है, इंटू डेल टी। डेल क्या है? चेंज, चेंज इन स्पीड, गति में बदलाव। टी क्या है? चेंज इन टाइम। डेल टी क्या है? चेंज इन टाइम। डेल एस क्या है? चेंज इन स्पीड। अब देखो ध्यान से, स्पीड इतनी थी 10 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दी, तो फॉर्मूला में रखेंगे D इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल एस। चेंज कितना हुआ? पहले इतना था, अब 10 बढ़ा दिया, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटे ज्यादा नहीं हो गया? दोनों का डिफरेंस कितना आया, बदलाव कितना हो गया? 10 किलोमीटर प्रति घंटे ज्यादा हो गई, वो बदलाव है। टाइम में क्या होता है, एक घंटा कम समय लेती है, यदि इस घंटे इससे चलती तो कुछ टाइम में पहुंचती, इससे चल रही है तो टाइम कितना, एक घंटा कम, तो टाइम का इतना एक आ गया। अब देखो, यदि इसकी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटे और बढ़ा दी जाए, यदि इसकी गति ना गति जितनी, अब कितनी हो गई, एस प्लस 10 हो गई, इस S प्लस 10 से और बढ़ा दी जाए तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस क्या आ जाएगा, पहले की स्पीड, पहले स्पीड इतनी थी S प्लस 10, अभी और बढ़ा दी जाए, और कितनी बढ़ा दी जाए, 10 और बढ़ा दी जाए, इससे 10 और बढ़ा दोगे तो कितनी स्पीड आ जाएगी, S प्लस 20। दोनों का डिफरेंस कितना, रे यहां से 10 ही तो बढ़ा रहे हो, नहीं बढ़ा रहे, 10 ही तो बढ़ा रहे हो, और क्या है बाबू, तो यह 45 मिनट कम और समय लेती है, जितना ले रही थी उससे 45 मिनट और कम ले रही है,
45 मिनट और कम ले रही है, 45, लेकिन मिनट में ले रही है, घंटे में करेंगे तो 60 का गुणा कर देंगे। देखो ये भी डी है, ये भी डी है, तो दोनों बराबर नहीं हो जाएगा, ये तो दोनों बराबर हो गए, दोनों बराबर हो गए, दोनों बराबर हो गए। क्यों ऐसा हो रहा है देखो ध्यान से एक बार और समझो। कोई ट्रेन है यहां से यहां चलती है, पहले एस स्पीड से चलती है, लेकिन अब स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दिए तो एस प्लस 10 हो गई, एस प्लस 10 हो गई, तो एक घंटे पहले पहुंच जा रही है, कितनी स्पीड बढ़ाने पर 10, लेकिन यहां से और यदि 10 बढ़ा दिया ना, तो यहां से और 10 बढ़ा दिया तो एस प्लस 20 हो गई, 10 और बढ़ा दिया, दोनों का डिफरेंस, तो 45 मिनट पहले पहुंच गई, डिफरेंस कितना आया 45 मिनट, मिनट में आ रहा है, इसलिए क्या लिखेंगे 45/60 लिख लेंगे। चलो अब देखो सॉल्व करते हैं हम, 10 से तो 10 कैंसल हो जाएगा सर, ये s प्लस 10 s प्लस 10 कैंसल हो गया, एक का तो कोई मतलब ही नहीं है। s की वैल्यू कितनी आ गई देखो, s प्लस 20, 45, ये 60 को इधर ट्रांसफर कर दिया तो 60s, अच्छा ये 45 को मल्टीप्लाई कर दिया 45s, 45 दूना 90, 900, 60s में से 45x चला गया 15s इज इक्वल टू 900, s की वैल्यू कितनी आ गई 15×96 किलोमीटर प्रति घंटा। s की वैल्यू कितनी है, स्पीड पहले कितनी थी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो क्या पूछा है दो शहरों के बीच दूरी, अब चाहो तो यहां डाल लो चाहो तो यहां डाल लो, क्योंकि ये भी दूरी है ये भी दूरी है, यहां डालते हैं 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 60 में 10 जोड़ दिया 70, डिफरेंस कितना 10 और एक, एक है ना, एक का एक, जीरो से जीरो, 6×36, 6×7, 42, 420 किलोमीटर, कितना दूरी है 420 किलोमीटर। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, मजेदार क्वेश्चन था, पहले जितनी बढ़ गई उससे और 10 बढ़ गई, पहले जितनी थी उससे 10 बढ़ा दिया, अब यहां से 10 और बढ़ा दिया, तो यहां से नहीं लेंगे अब सेकेंड बार से लेंगे, जैसे एस लिया ना बढ़ा दिया 10, तो अब कितना हो गया s प्लस 10, अब यहां से और 10 बढ़ा दिया तो अब कितना ले लिया s प्लस 20, यहां से 10 बढ़ाया और यहां से 10 बढ़ा दिया। चलो नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन भी करवाया है हमने, प्रॉफिट लॉस का MCQ यदि नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, वहां पे बहुत सारे टाइप हमने करवाए हैं। यदि 10 रुपए के 11 की दर से कुछ वस्तु खरीदता है तो CP ऐसे लिखना है, ऐसे क्वेश्चन में SP लिखो, यहां पे लिखना है वस्तु और यहां पे लिखना है कीमत, इसको चेंज नहीं करेंगे, CP SP वस्तु कीमत, कितनी 11 वस्तु को ले रहा है 10 रुपए में, कितने रुपए में 10 रुपए में, और 10 रुपए में सॉरी 10 वस्तु को कितने रुपए में 11 रुपए में बेच रहा है। याद रखिएगा रुपए जहां दिया है कीमत के नीचे रुपए, तो 10 रुपए में 11 वस्तु खरीद रहा है, फिर 11 रुपए में 11 रुपए में 10 वस्तु बेच दिया। अब देखो सिर्फ आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 11×11 121, 10×100, ये बताओ 100 में खरीदा है 121 में बेच दिया, कितने परसेंट का प्रॉफिट, 21% का प्रॉफिट हो गया। कैसे, CP SP 100 में खरीद के 121 में बेचा ना, कितने का फायदा 21 का, कहाँ से 100 से इंटू 100%, कितना परसेंट आया 21%, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु को किसी निश्चित मूल्य पर बेचकर एक व्यक्ति 40 रुपए का लाभ कमाता है। चलो देखते हैं, कोई वस्तु है उसका CP x है मानते हैं, इसको बेच दिया
तो 40 का लाभ कमाया मतलब 40 ज़्यादा में बेचा होगा तो x प्लस 40। यदि वह उस वस्तु को दोगुनी कीमत पर बेचे, यदि उसको वह बेच दे दोगुनी कीमत पर मतलब 2 जितने में बेचा है इसका दोगुना मतलब 2x प्लस 40 दुना 80 में बेचे तो लाभ कितना प्रतिशत होगा? तो खरीदा तो उतने में ही होगा, x में ही, तो कितने का लाभ हो गया? दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आया? सर दोनों के बीच का ये इतने में बेच दिया, इतने में खरीदा था, तो 2x प्लस 80 माइनस x अपॉन x, क्यों? SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100% कर लेंगे, कितना आएगा? x प्लस 80 अपॉन, अच्छा, एक चीज समझो, ऐसा देखो, किसी निश्चित मूल्य पर बेचता है तो 40 का लाभ कमाता है, 40 का लाभ कमाता है, यदि वह उस 40 का लाभ नहीं है, 40% है ना, इसलिए क्वेश्चन में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, 40% का लाभ कमाता है, कैसे पता चला? यहाँ पे 40% लिखा है, रुपए नहीं है भाई। अब देखो 40% का लाभ कमाता है मतलब 100% में खरीदा है, 40% का लाभ तो कितने रुपए में बेचा होगा? कितने परसेंट में? 140% में। यदि उसको दोगुनी कीमत पर बेच दे मतलब डबल में बेच दे तो 280 में बेचा होगा, 140 गुणे 2 14 दुना 28 180%, तो लाभ प्रतिशत कितना है? कितने प्रतिशत का लाभ? 100% में खरीद के 180% में बेच दिया, 180% का लाभ नहीं हो रहा, कितने परसेंट का लाभ हो रहा है? 180%। याद रखेंगे ये 40% था, 40% दिया है ना, 40 रुपए नहीं है, 40% है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध की कीमत 20% बढ़ गई है, कीमत प्राइस, ये है प्राइस कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर का टाइप, इसको भी YouTube में देखेंगे, हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। दूध की कीमत 20% बढ़ गई, 20% बढ़ गई मतलब 100 से 120 हो गई, तो व्यय को उतना रखने के लिए, एक्सपेंडिचर को उतना ही रखने के लिए आपको कंजम्पशन में कितने की कमी करनी पड़ेगी? कंजम्पशन में कितने की कमी? सुनो हम क्या जानते हैं, एक यहीं पे बता दे रहे हैं, कंसेप्ट भी देखो ध्यान से, इसको कांस्टेंट रखना है, नियत रखना है, इसको नियत रखना है मतलब इसको मान लेते हैं एक रखना है, क्योंकि कांस्टेंट एक रुपया खर्चा करते थे, अभी भी एक करना है खर्चा, तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी? पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, इधर आ जाएगा ये एक, तो सी इधर कर दिया, ये इसका मतलब क्या होता है? पी इज इक्वल टी, मान लो इसका मतलब प्राइस बढ़ रहा है तो ये क्या होगा? कम। यदि प्राइस कम हो रहा है तो ये क्या होगा? बढ़ेगा। जैसे प्राइस बढ़ रहा है, मान लो ये AC बोर्ड की कीमत बढ़ते जा रही है तो कम लोग लेंगे, लेकिन यही बोर्ड बहुत सस्ता हो गया, एकदम सस्ता हो गया, 50 रुपये 100 रुपये मिल रहा है, तो बहुत सारी भीड़ नहीं आ जाएगी लेने? तो प्राइस बढ़ता है तो कंजम्पशन, उपभोग कम हो जाता है, प्राइस बढ़ रहा है, टमाटर का प्राइस बढ़ जाता है तो बहुत कम टमाटर खाते हैं ना, टमाटर का प्राइस कम हो गया तो एकदम झोला झोला भर के टमाटर ले आते हैं, कंजम्पशन क्या होता है? बढ़ जाता है। सेम वैसे ही कीमत बढ़ गई तो कंजम्पशन क्या होगा? कम हो जाएगा। क्या होगा? कम। किस रेशियो में? जिस रेशियो में प्राइस बढ़ता है, तो प्राइस कैसे बढ़ा है? 100 से 120 ना, तो ये क्या होगा? 120 से 100 हो जाएगा। जैसे 100 से 120 हुआ तो ये क्या हो जाएगा? 120 से 100, ये 120 इधर 100 इधर। कब? कब याद रखना है? व्यय को उतना ही रखा जाए, मतलब व्यय चेंज नहीं हो रहा, एक्सपेंडिचर चेंज नहीं हो रहा। अब देखो आप देखेंगे एक्सपेंडिचर क्या होता है, P इंटू C, इन दोनों का गुणा कर लोगे, 100 गुणित 120, तो 100 गुणित 120 इधर, 100 गुणित 120 इधर भी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो आपको क्या करना है, ये बताओ कि
उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ गई। उपभोग पहले 120 था, 120 से कितने की कमी कर, कितना कर दिए 100, कितने की कमी 20 की कमी, कहाँ से 120 से, इंटू 100% 20 छंग 120 सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 16:2/3। ये कंसेप्ट याद रखेंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करना है, बहुत बार पूछा गया है, फेवरेट क्वेश्चन है, इसको आपको देखना है, YouTube में डला होगा वीडियो, प्राइस इंटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर के नाम से, कीमत गुणित उपभोग बराबर खर्च, इस नाम से YouTube के थंबनेल में देखेंगे ना, थंबनेल में ही तो ये लिखा हुआ है, इसको बड़े प्यार से कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य से 32% अधिक है, सीपी से एसपी 32% अधिक है, यदि ये 100% है तो ये 132% आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, परसेंट नहीं लिखना चाह रहे तो मत लिखो, परसेंट परसेंट ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लिखना चाहते हो तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, यदि सीपी 100 है तो ये कितना 132, और वस्तु के अंकित मूल्य पर दी गई छूट 12% है, एमआरपी पे कितना छूट दे रहे हो, एमआरपी पे छूट दे रहे हो 12% की, देखो एमआरपी यदि 100 है 12 की छूट दोगे तो कितने में बेचोगे, 88 में, देखो सीपी 100 है 32% अधिक में बेच रहे हो, विक्रय मूल्य 32 ज़्यादा है तो एसपी 32, एमआरपी पे 12% की छूट मतलब 100 यदि एमआरपी है 12 की छूट मतलब 188 में, 88 में बेचा होगा, एसपी कितना इतना, तो पूछता है लागत मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात, लागत मूल्य और अंकित मूल्य इन दोनों का गुणा हो जाता है 88 गुणित 100, अंकित मूल्य के लिए क्या आएगा 132 गुणित 100, दोनों का अनुपात, ये 100 से 100 कैंसल नहीं हो जाएगा, कितना बढ़ गया, कितना बढ़ गया 12 और 32 दो दूना 4 44 कहाँ से 88 से इंटू 100%, 44 दूना कितना परसेंट आया, तो क्या पूछा है लागत मूल्य का अंकित मूल्य से अनुपात पूछा है, एक्चुअल में अनुपात पूछा है, परसेंट नहीं पूछा, तो अनुपात निकाल लेते हैं, ये कितना 88 और ये कितना 132, चलो निकालते हैं, 4 दुना 8, 4 दुना 8, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 22 अनुपात 33, 11 दुना 22, 11 तिया 33, कितना आ गया 2:3 ना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आई होगी। देखो डायरेक्ट कैसे करना है, हमने आपको बताया है एमआरपी अपॉन सीपी, देखो कितने की छूट मिल रही है 12 की, तो सीपी के जगह पे ये नीचे में जितने छूट है उतना लिखो, कितने का प्रॉफिट जितना अधिक है, कितना अधिक 32, तो 132, बस ऐसा आपका आंसर आ जाएगा, कटाओगे तो कितनी बार 4 दुनी 8, 44 दुना 88, 44 तिया 132। अब बोला है लागत मूल्य और अंकित मूल्य, लागत पहले तो 2 पहले 3 बाद में, तो 2 पहले 3 बाद में, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लाइंस एंड एंगल्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो क्या दिया गया है, यदि ए बी बराबर पैरेलल है डी के, ए बी पैरेलल है डी के, बी ए सी, बी ए सी 35 डिग्री, सी डी ई, सी डी ई 53 डिग्री, तो डी सी ई ज्ञात करें, क्या ज्ञात करना है डी सी, ये डी सी ई कैसे ज्ञात कर सकते हैं, देखो हमने बताया नहीं है ऐसा 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 होता है, तो इस तरफ का कोण, इस तरफ के कोण का योग, सम,
इसके बराबर होता है। तो ये 35 ये 53 कितना डिग्री हो जाएगा, ये 5 3 8 188 डिग्री। टोटल कितना डिग्री होता है, 180 ना, 180 में से 88 चला गया तो ये 92 डिग्री नहीं आ गया, इसकी वैल्यू 92 डिग्री। और यही तो पूछा है कि ये है कितना डिग्री, कितना आंसर आएगा, 92 डिग्री इसका राइट आंसर है। दूसरे तरीके से यदि देखें, क्या है, इन दोनों का योग इसके योग के बराबर होता है, ये लगा था कंसेप्ट। दूसरे तरीके से देखें तो क्या हो गया, अच्छा ये पूरा इधर है, ऐसा है ना, चलो देखो भाई। सर यदि ये, यदि ये 35 डिग्री है, ये 53 डिग्री है, ये 35, ये दोनों पैरेलल है ना, तो ये भी 35 नहीं हो जाएगा। हाँ सर आप कहेंगे बिल्कुल 35, तीनों का योग कितना आता है, 180 डिग्री। ये कितना हो गया, 5 3 8 5 3 8 88, तो ये दोनों ही हो गए, तो ये कितना हो कि 180 आ जाए, तो आप कहेंगे 92 डिग्री हो, तो 92 डिग्री वहाँ से भी आ गया। दोनों टाइप से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और भी एक तरीका बताया था हमने, जब भी दो लाइन पैरेलल हो बीच से ऐसे काट दो, ये वाला तरीका भी बताया था। चलो नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन भाई लाइन्स एंड एंगल्स का। पी क्यू परपेंडिकुलर है, पी क्यू परपेंडिकुलर है पी एस के, इसलिए ये 90 डिग्री है, दिखा भी रहा है, बहुत बढ़िया। पी क्यू पैरेलल है एस आर के, पी क्यू ना पैरेलल है एस आर के, ठीक है भाई। एस क्यू आर 28 डिग्री, और क्यू आर टी 65 डिग्री है, तो एक्स और वाई का मान निकालना है। चलो ठीक है, देखो हमको ये बताओ, ये 65 है ना, सर आप कहेंगे बिल्कुल 65 है, तो ये बताना ये 65 है, टोटल का टोटल ये दोनों पैरेलल हैं, तो ये भी 65 नहीं हो जाएगा, टोटल 65 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि ये लाइन कट कर रही हैं, दोनों पैरेलल हैं। सर 65 हो जाएगा, उसमें से ये 28 है, 28 ये ले गया, तो इसके लिए कितना बचा, 65 में से 5 3 8 5 2 7 और 5 में से 3 गए, 2 गया 3, सर 37 डिग्री हो जाएगा। हम कहेंगे बिल्कुल बहुत बढ़िया, x की वैल्यू कितनी आ गई, 37 आ गई, x इज इक्वल टू 37। ये देखो ये है 90 डिग्री, तो ये कितना डिग्री हो जाए, ताकि ये त्रिभुज में पी क्यू एस में टोटल 180 डिग्री हो जाए, तो आप कहेंगे सर ये होना चाहिए 53 डिग्री, तभी तो दोनों का योग करेंगे, तीनों का योग करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। x की वैल्यू 37, y की वैल्यू 53, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, 37 और 53, 37 53। देखो 53 37 नहीं करना, x की वैल्यू 53 नहीं है, x की वैल्यू 37 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, ये देखो दिए गए चित्र में BAC 70 डिग्री, ACB 45 डिग्री, और DEA 140 डिग्री है, तो BDE का मान निकालना है। अब देखो आपको एक चीज़ तो पता है, आप सभी जानते हैं सर कि ना ऐसा फिगर दिया गया होता है, एरो वाला ये फिगर दिया गया होता है ना, तो इसको कैसे सॉल्व करना है। लाइंस एंड एंगल्स में बड़े प्यार से हमने बताया है, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, तो ये कितना हो जाता है, इन तीनों का योग एक्स प्लस वाई प्लस जेड।
तो ये 140 जो दिख रहा है ये किसके बराबर होगा, 7045 और इसकी वैल्यू x की बराबर, तो ये कितना आ जाएगा, 145 इज इक्वल टू 70 प्लस 45 प्लस x इज इक्वल टू 140, 7 4 11 x की वैल्यू कितनी आ गई, 140 में 115 घटा दिया तो 25 डिग्री नहीं आ गई, कितनी डिग्री आ गई, 25 डिग्री आपका राइट आंसर है भाई। x की वैल्यू कितनी आएगी, 25 डिग्री आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो, बड़े प्यार से देखना समझना, और कहीं दिक्कत होगी तो बताइएगा। दिए गए चित्र में ए बी सी डी समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज रोम्बस मतलब सारी भुजाएं समान हैं, ए बी सी डी की सारी भुजाएं समान हैं, ये सारी भुजाएं समान हैं, और बी सी एक समद्विबाहु, बी सी ई समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बी सी और सी ई समान है, ये बी सी और ये सी ई समान है, मतलब ये सारी चारों भुजाएं समान हैं, चारों पांचों भुजाएं समान हैं। सी बी ई इज इक्वल टू 84, सी बी ई इज इक्वल टू 44, चलो 84। हमको एक चीज बताओ, ये बी ई है, थोड़ा बड़ा बना रहे हैं हम ताकि आपको समझ में आए, ऐसा सी बी ई ये दोनों बराबर हैं, बराबर हैं, हम क्या जानते हैं, इसके सामने वाला कोण और इसके सामने वाला कोण भी बराबर नहीं होगा, आपको बताया है बहुत बार, और ये कितना दिया है, सी बी ई इज इक्वल टू 84, सी बी ई इज इक्वल टू 84, तो ये भी 84 नहीं हो जाएगा क्योंकि दोनों तो बराबर हैं, 84 तो हैं, तो ये डिग्री कितना निकल आएगा, सर 4 4 8 8 2 16 168, तो ये कितना डिग्री निकल आया, 12 डिग्री, ये वाला 12 डिग्री निकल आया, चलो ठीक बात है, बहुत बढ़िया। अब देखो ए डी सी 78 डिग्री है, ए डी सी 78 डिग्री है, ये 78 है, हम जानते हैं समबाहु सम चतुर्भुज में ना आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, ये 78 तो ये भी 78 होगा, तो ट्रायंगल चतुर्भुज में चारों कोणों का योग कितना हो जाता है, चारों कोणों का 360, 78 ये x है, ये दोनों भी x नहीं हो जाएंगे, ये बताओ, क्योंकि आमने सामने कोण बराबर होते हैं, तो 78 और 78 कितना हो गया, 8 8 16, 7 2 14 15, 156, x प्लस x 2x, देखो भाई कुछ नहीं किया, इसको 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 जोड़ दिया और टोटल कितना डिग्री, 360 56 चला गया, 04 3 में 1 चला गया 2, x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 102, तो अब देखो x इज इक्वल टू 102 आ गया भाई, x इज इक्वल टू 102, तो ये भी x इज इक्वल टू 102, और ये कितना निकाल लिया है, 12 डिग्री नहीं निकाल लिया। अब देखो फिर से एक बार, हम बनाते हैं ऐसा ऐसा और कुछ ऐसा, ध्यान से देखना समझते जाना, सर ये है डी, ये कितना डिग्री है नहीं पता, ये कितना डिग्री है नहीं पता, ये तो निकालना है, डी ई सी निकालना है, डी ई सी निकालना है, इसको फाइंड आउट करना है, बिल्कुल निकालना है भाई, ये तो हमको पता ही नहीं, लेकिन ये पता है यहाँ से लेके 102 और यहाँ से लेके 12 टोटल कितना डिग्री हो गया, सर टोटल हो जाएगा 114 डिग्री, कितना डिग्री, 114 डिग्री, बहुत बढ़िया। एक चीज और पता है जी, क्या कि ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर हैं, क्यों, दोनों बराबर, ये दोनों बराबर हैं, और समचतुर्भुज में तो चारों बराबर हैं, ये 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 और ये,
ये चारों बराबर हैं और ये इसके बराबर है, मतलब ये इसके बराबर निकल गया, मतलब ये दोनों भी बराबर होंगे। बराबर होंगे तो आमने सामने के कोण बराबर होंगे, टोटल कोण हो जाता है 180, 180 में ये 114 हो गया। ये मान लेते हैं थीटा है, थीटा है तो टू थीटा की वैल्यू आ गई 180 माइनस 114, तो कितने डिग्री आ गई सर, 66 डिग्री आ गई। थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 33 डिग्री आपका राइट आंसर है भाई। बताओ कहीं दिक्कत है किसी को, कहीं भी किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, हम पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपके सामने हमने ऐसा रख दिया। चलिए अगर समझ में नहीं आया तो एक बार और रिवाइंड करके देखें, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीन ट्रैफिक सिग्नल हैं, प्रत्येक सिग्नल का रंग हरे रंग से लाल और फिर लाल से हरा बदलता है, मतलब लाल से हरा, हरा से लाल होते रहता है। हरे से लाल बदलने में पहले सिग्नल को 25 सेकेंड, दूसरे सिग्नल को 39 और तीसरे को 60 सेकेंड लगते हैं। 25, 39 और 60 सेकेंड लग रहे हैं, तो हम जानते हैं ऐसे में क्या लेना पड़ता है, एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। चलो इनका एलसीएम कितना आएगा, क्या कॉमन है भाई इनमें, सर सब में कुछ भी कॉमन नहीं है लेकिन पांच सब में कॉमन दिखता है, 5 × 5 = 25, 39 तो कटेगा नहीं और 12 × 5 = 60। सर यहाँ पे 3 दिखता है, 5 तो कटेगा नहीं, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, और कुछ भी कॉमन है क्या, नहीं है। तो 5 × 3 = 5, तो एलसीएम कितना आ गया, 5 × 3 × 5 × 13 × 4, 5 × 3 = 5 × 13 = 4, 5 × 5 = 25, 25 × 4 = 100, 13 × 2 = 26, 13 × 3 = 3900। क्या है ये, सेकंड है तो सेकंड, इतने सेकंड बाद, अब ये बताओ इतने सेकंड को मिनट में चेंज करोगे तो किससे डिवाइड करोगे, 60 सेकंड से। किससे डिवाइड करोगे, मिनट में चेंज करना है 60 से, यदि घंटे में करना है तो फिर 60 से, 3600 सेकंड नहीं हो जाता एक घंटे में। नहीं आ रही बात समझ में, तो देखो एक बार अच्छे से देखो, 3600 सेकंड बराबर एक घंटे। सर ये कैसे लाए 3600, अरे एक घंटे में 60 मिनट और एक मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड, और ये 60 तो था ही, 60 60 का 60, एक मिनट में 60 सेकंड, कितना सेकंड हो गया, 3600 सेकंड। तो एक घंटे में 3600 सेकंड ना, वही तो लिखा है, तो एक सेकंड में कितने घंटे, 1/3600 घंटे। तो 3900 सेकंड में कितने घंटे, 3900 सेकंड में कितने घंटे हो जाएंगे, तो 3900/3600 घंटे हो जाएंगे। चलो ठीक है भाई, इतने घंटे हो जाएंगे, डिवाइड करते हैं 00 से, 00 कैंसल, 36 × 36 बचा कितना, 3/36, 3 × 3 = 3, 3 × 3 = 3, 3 × 2 = 6, इतना घंटे बाद। लेकिन घंटे तो बोलना नहीं, क्यों सर, इतने घंटे बाद बजेगा ना, इतने घंटे बाद बजेगा तो आप क्या कहेंगे, सर इसको कैसे चेंज कर सकते हैं मिनट में, तो क्या लिखेंगे, 60 से गुणा कर लेंगे, 12 × 5 = 60, कितना, 12 × 5, तो 2 बजे के कितने मिनट, कितने बजे बाद, 1 घंटे 50 मिनट आपका राइट आंसर है। 1 घंटे 50 मिनट बाद क्या होगा, वो बजेगा, 1 घंटे 5 मिनट आएगा, माफ कीजिएगा, देखो एक बार और कितना आया, 5 × 5 = 25, 25 × 100, 13 × 2 = 26, 13 × 3 = 39, चलो 3900 सेकंड को यदि बदला तो 3600 सेकंड में 1 घंटा हो गया, बचा कितना, 300 सेकंड,
ये 300 सेकंड को बदलेंगे तो कितना आएगा, 300 बटे 3600 नहीं आ जाएगा, 1 / 3 = 3, 3 × 6 एक घंटा। इसको मिनट में बदला तो मिनट में बदलने के लिए 60 से डिवाइड, 12 × 5 = 60, 1 घंटे 5 मिनट आएगा। 2 बजे से 1 घंटे 5 मिनट बाद वो सारे के सारे हरे हो जाएंगे। आंसर कितना आएगा, 2 से 1 घंटे 5 = 3 बज के 5 मिनट आपका आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नहीं दिया, 3 घंटे 5 मिनट लिख लीजिएगा। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आई होगी। कुछ नहीं करना, एलसीएम लेना था भाई, 5 × 5 = 25, 39 तो कटता नहीं, 12 × 5 = 60, 3 से लिया ये तो कटता नहीं, 3 × 3 = 3, 3 × 9 = 3, 4 = 12, सबको गुणा कर लिया, 5 × 5 = 25, 4 = 100, 13 × 26 = 3, 3 × 9 = 39, 3900 को डिवाइड किया, 3900 सेकेंड बाद हरा होगा। 2 बजे एक साथ हरे हो जाते हैं। अगली बार किस समय पर एक साथ हरे होंगे, तो अगली बार 3900 सेकेंड बाद हरे होंगे। 3900 सेकेंड में से 3600 सेकेंड मतलब एक घंटा, मतलब 3 बजे, अभी भी 300 सेकेंड बाकी है, 300 सेकेंड बाकी है, 300 सेकेंड और चाहिए। 300 सेकेंड को घंटे में बदलेंगे तो कितना आएगा, 660 सेकेंड में 1 मिनट, तो 300 सेकेंड में 60, 6 × 12 = 18, 6 × 4 = 24, 6 × 5 = 30, 5 मिनट, 5 मिनट ऐसा करते हैं तो 1 घंटा 5 मिनट बाद, 1 घंटा 5 मिनट बाद मतलब 2 और 1 = 3, 3 बजकर 5 मिनट आपका राइट आंसर है। इसको लिख लीजिएगा, ऑप्शन थोड़ा हो सकता है एक आध छूट गया हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 संख्याएं इसके 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 अनुपात में हैं, ए बी सी 3 संख्याएं इस अनुपात में हैं, तो इनका रियल अनुपात कितना आ जाएगा, इनका एलसीएम ले लिया, एलसीएम गुणा कर लेते हैं, ये रेशियो में बताया है, रेशियो का चैप्टर देखेंगे, 12 × 12 × 12 इन सब का एलसीएम ले लिया, कितना या 12, 2 × 6 = 3, 4 × 4 = 8, 4 × 3 = 12, 3 × 3 = 9 हो गया। तो कहता है यदि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर 33 है, सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का अंतर 3 यूनिट और नंबर में कितना है 33 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू 11 आ गई। तो तीनों संख्या का महत्तम समापवर्त कितना होगा, अरे हम जानते हैं जितना 1 यूनिट की वैल्यू होती है ना उतना ही क्या होता है उसका एलसीएम एचसीएफ होता है, तो एचसीएफ कितना आएगा 11। नहीं आ रही बात समझ में, तो चलो कर लो, जो 11 है तो कितना आएगा, 11 × 66, 11 × 88, 11 × 99। अब इसका एचसीएफ निकाल लो, 66, 88 और 99 का एचसीएफ निकालोगे किससे जाएगा, 11 × 11 = 66, 11 × 88, 11 × 99 और किसी से कटता है क्या, किसी से नहीं कटता, तो एचसीएफ कितना आ गया 11। अरे जो कॉमन था, जो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लायर है, मल्टीप्लायर क्या है 11, वही एचसीएफ हो जाएगा, तो वही क्या है आपका आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। यदि कटौती अंकित मूल्य के 1/5 के बराबर हो, कटौती मतलब बट्टा, अंकित मूल्य MRP CP और अंकित मूल्य के बराबर हो, चलो ठीक है SP MRP और SP, क्योंकि छूट दोगे तो क्या बेच दोगे, 5 में 1 का छूट दे दिया, ऐसा मानो, मान लो SP 100 है, इसका इसका 100 का कितना छूट है, 1/5 छूट है, 1/5 छूट है, 5 में से 1 छूट है, तो बेचा कितना होगा, 5 में से 4 का बेचा होगा, 1 को तो छूट में दे दिया तो 4 को बेचा होगा, ऐसा समझो, 5 × 10 = 20, 4 = 80, तो 100 यूनिट की चीज को 80 में बेचा है, चलो कितनी की छूट दे दिया, 5 × 10, 100 की चीज में 20 का छूट दिया तो कितने में बेचा, 80 में, ऐसा समझो। अब बताओ
और हानि कटौती से आधी है। कटौती कितनी है? 20 की। तो हानि ना आधी है, 20 की आधी, 20 की आधी हानि है। 20 का आधा हानि मतलब 10 का हानि है, 10 हानि है। जब 80 में बेचा तो 10 की हानि, तो खरीदा ज़्यादा में होगा तब तो हानि होगी। 80 में बेच दिया, 10 की हानि, 10 की हानि क्यों? जितना छूट है उसका आधा हानि, छूट 20 का उसका आधा 10, और ये 10 हानि है, लॉस हो गया। 80 में बेचा लॉस हो गया, मतलब 90 में खरीदा होगा ज़्यादा में खरीदा होगा, 10 ज़्यादा में खरीदा होगा तो 90 में खरीदा होगा, 90 में खरीदा, हानि परसेंट निकालना है, 90 में खरीद के 10 की हानि हो गई, 10 की हानि इंटू 100%, कितना आंसर आ गया? 11 सही, 1/9% आपका आंसर है। चलिए, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन, 3600 की राशि को दो बराबर भाग ए और बी में इस प्रकार बांटा जाता है कि 15% की दर पर ए तथा बी पर क्रमशः 2 वर्ष का 4 वर्ष बाद, 2 वर्ष और 4 वर्ष, मतलब ए पे 2 वर्ष, ए और बी में बांट रहे हो 36,000 को, 36,000 है, इसको ए में बांटा और बी में बांटा, ए पर 15% और बी पर भी 15% है, तो क्या कहता है? ए पर अ सम ऑफ 36, थोड़ा कुछ दिक्कत लग रहा है, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं एक बार। अ सम ऑफ 36,000 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स ए एंड बी सच दैट सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15% पर एनम ऑन ए एंड बी आफ्टर 2 ईयर्स, ए और बी पे 2 साल के बाद एंड 4 साल के बाद, इसमें 2 साल टाइम क्या है, 2 साल और इसमें 4 साल, ठीक है, के बाद दोनों पे कितना बराबर ब्याज लगता है, मतलब ए का 15% कितने साल के लिए, 2 साल के लिए बराबर है, बी का 15% के लिए कितने साल पे, 4 साल पे, 15% से 15% कैंसिल, 2 एकम 2 दूना, ए अपॉन बी, ए रेशियो बी कितना आ गया, 2:1, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 1, टोटल कितना आया, 3 यूनिट, कितना यूनिट आया, 3 यूनिट, टोटल है कितना, 36,000, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 12,000, 1 यूनिट की वैल्यू 12,000, तो 2 यूनिट की वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 2 यूनिट, तो 12 दूना 24,000, और बी की वैल्यू 1,000, 12 एकम 12,000, मतलब ए की, ए के पास था 24,000 और बी के पास 12,000 था, ये है सिंपल सी बात। ए से प्राप्त कुल ब्याज ज्ञात करें, ए से कितना ब्याज मिल रहा है, तो ए की वैल्यू, एक एक के पास कितना था, 24,000, कितने परसेंट के लिए, 15% के लिए, कितने साल, 2 साल, सर 00 से 00, 15 दूना 30, 20 आ गया, 4 तिया 12 और 7200, आंसर कितना आया, 7200, ए से कितना मिल रहा है, 7200 मिल रहा है। चलिए, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुण 20,000 रुपए अपने 2 दोस्तों को उधार देता है, वह पहले दोस्त को 12,000 रुपए, अरुण 20,000 रुपए उधार दे रहा है, पहले को 12,000 दे रहा है, तो दूसरे को कितना दिया होगा, 8,000 दिया होगा, ठीक बात है, बहुत बढ़िया। पहले दोस्त को 12,000 रुपए 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से देता है, 8% की दर से देता है। अरुण अपनी कुल राशि पर 10% लाभ चाहता है, टोटल पे कितना चाहता है, 10%,
उसे शेष राशि दूसरे दोस्त को किस परसेंट ब्याज पर देनी चाहिए, 8% पर मान लेते हैं, ताकि उसे 10% का ब्याज मिले। तो चलो देखो, 12,000 रुपये पर 8% की धनराशि बराबर, ताकि उसे इच्छित लाभ मिले, टोटल पर कितना लाभ, 10% का। तो देखो, इस पे 8% प्लस 8,000 पे कितना परसेंट, 8% दोनों का मिला के 20,000 पे वो कितना चाहता है, वो चाहता है 10% का लाभ। ये 100 कॉमन लिया, 100 से 100 कैंसल हो गया, 12,896,000 प्लस 8,000 आर इज इक्वल टू 20,000 और एक जीरो और आ गया, इसको इधर ले जाएंगे तो 3 जीरो तो आ गया, 200 में से 96 जाएगा, 104, आर की वैल्यू 8 आर, 8,000 आर, आर की वैल्यू कितनी आ गई, 000 से 000 आर की वैल्यू 8 ही कम 8, 2 बचा 8 दुनी 16 8 3 24, कितना परसेंट, 13% इसका राइट आंसर है। देखो भाई, इसको दूसरे तरीके से और कैसे बना सकते थे, इसमें कितना है 20,000 ना, 12,000 और इसको कितना मिल रहा है 8,000, दोनों का रेशियो ले लेते हैं, 4 3 12 4 2 8, टोटल कितना लाभ कमाना चाहता है, 10%, एक पे कितना कमा रहा है 8%, इस पे कितना परसेंट हो यही निकालना है ना। तो देखो हमने क्या बताया है, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ आता है, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ आता है, ये जो बीच वाला है ना, एक से बड़ा और दूसरे से छोटा होता है, तो 8 से बड़ा है, 10 और 8 का डिफरेंस 2, ठीक बात है, इन दोनों का डिफरेंस 3 आना चाहिए, यदि 3 आना चाहिए आपके दिमाग में, यदि आ रहा है ये 7% है, 10 से 7 गया 3, बहुत बढ़िया, लेकिन ये हमने कहा है बीच वाला एक से बड़ा और दूसरे से छोटा, लेकिन ये 10 तो दोनों से बड़ा नहीं हो गया, 8 से भी और 7 से भी, एक से बड़ा दूसरे से छोटा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, मतलब यहाँ पे 7 तो नहीं आएगा, तो 3 लाने के लिए आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 13%, तभी तो 13 में 10 घटाएंगे 3 आएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 13% इसका राइट आंसर है। ये डायरेक्ट आपको मिक्सर एलिगेशन से करना था। चलिए नेक्स्ट देखो, लास्ट क्वेश्चन है आज का, बड़े प्यार से देखिएगा, कहीं दिक्कत होगी तो बताएंगे। त्रिभुज एबीसी में बिंदु आई तीनों भुजाओं से बराबर दूरी पर है, एबीसी में कोई आई है, ये तीनों बराबर दूरी पर है भुजाओं से, यहाँ से भी, यहाँ से भी और यहाँ से भी, तीनों भुजाओं की दूरी बराबर है, ऐसा रखते हैं, भुजाओं से दूरी बराबर है भाई, ये दूरी और ये दूरी बराबर है। ये दूरी बराबर कब होती है, जब आप क्या लेते हैं, आप खींचते हैं अंतः समद्विभाजक, अंतः समद्विभाजक खींचते हैं ना, अंतः समद्विभाजक खींचते हैं, जहाँ मिलता है उसको ऐसा कर देते हैं, मिला देते हैं सामने वाली भुजा पे, तब ये भुजा से बराबर दूरी होती है। अंतः समद्विभाजक खींचते हैं मतलब ये वाला कोण और ये कोण इक्वल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, देखो ये जितना है उतना ये होना चाहिए। अब हम क्या जानते हैं, जैसे ये आपने खींचा अंदर क्या बन गया, सर्कल बन गया,
क्या बन गया, सर्कल बन गया भाई ये। और आप इसका क्या जानते हो रूल, ये वाला जो एंगल है ये क्या होता है, इस एंगल से ना 90 डिग्री प्लस क्या करते हैं इसको सर, 90 डिग्री प्लस ये सामने वाले एंगल का आधा, मान लो ये क्या है ए है, ये बी है, ये सी है, तो क्या बोला है आई तीनों भुजाओं से बराबर है यदि बी इज इक्वल टू 56, बी इज इक्वल टू 56, ये 56 है भाई, टोटल 56 है। तो ये बताओ, ये भी कोण समद्विभाजक होगा, जैसे कोण समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, आपको ये बात पता है, ये एंगल क्या निकलेगा, ये ब्लू वाला 90 डिग्री प्लस इस 56 का हाफ, 56 का हाफ, ये 56 है ना, इसका हाफ, तो 90 डिग्री प्लस 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, तो 118 डिग्री नहीं निकल आया। अब देखो हमसे पूछा है ए आई बी और बी आई सी, ये आई है, ए आई बी ये और बी आई सी, इन दोनों का योग, तो ये बताओ टोटल 360 में ये घटा दिया, सॉरी 360 तो टोटल है, इसको घटा दिया तो आपका आंसर नहीं आ जाएगा, 360 में 118 घटाएंगे तो 265 में से 1 गया 4, 3 में से 1 गया 2, कितना आंसर आ गया 242 डिग्री इसका राइट आंसर। कब बनता है एक बात और समझना है, जब सामने वाली ये जो पॉइंट है भुजा से बराबर की दूरी पर है, ये कब मिलता है, जब समकोण समद्विभाजक खींचते हो, और हम तो जानते हैं कोण समद्विभाजक यदि हमने खींचा तो इस पॉइंट से कोण समद्विभाजक खींचा ना, तो ये एंगल कितना हो जाता है 90 डिग्री प्लस ये वाला एंगल हमने बताया है, तो इससे आपने 56 पता है तो ये निकाल लिया, टोटल कितना हो गया 118, 360 में से इसको घटा दिया तो आपका आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अब देखिए नेक्स्ट सेशन में अपन मिलेंगे ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ, जहां पे सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन प्लस अप्रोच आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।